मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में करवाया चाइवी टेस्ट। थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा नर्वसनेस है। ऐसी कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में रहती है। Hey guys, this is Shano once again. Welcome or welcome back to my channel and welcome back to my pregnancy series. So, आज मैं vlogging कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी second scanning के लिए और मेरा third month चल रहा है। पहले scanning कराएंगे, उसके बाद जाएंगे doctor के पास। जो भी reports होंगी वहाँ पे ही हमें पता चलेगा कि अभी क्या है फिलहाल। और ये स्कैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इससे आपका बेबी का सब कुछ पता चलता है क्लियर कि ग्रोथ हो रही है अच्छे से कि नहीं हो रही है। तो ये स्कैनिंग और एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी पीरियड में आपको करवाना होता है। तो ये स्कैनिंग बिल्कुल मिस मत करिएगा आप। जब भी अगर आपके डॉक्टर सजेस्ट करे तो आपको बिल्कुल करवाना चाहिए। सो आज जो मैंने टेस्ट वगैरह करवाया था, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, कई सारे टेस्ट डॉक्टर ने बोला था करवाने को, तो वो सारे टेस्ट का आज रिपोर्ट मिलेगा और वो भी हमें डॉक्टर अभी बताएंगे कम्प्लीटली कि क्या है। कुछ चीज़ें तो मैंने पढ़ ली है जो कि ठीक लगी मुझे, और बाकी चीज़ें डॉक्टर हमें एक्सप्लेन करेंगी, तो फिर वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो में। आई होप कि सब कुछ सही रहे, बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही हो। और थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, तो मेरे अंदर अभी पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा है कि हाँ मेरा बच्चा अभी सही होगा। तो जो है देखते हैं, अभी जाएंगे पहले स्कैनिंग के लिए। और एक्चुअली ये होती तो सेकंड स्कैनिंग है, बट ये मेरी थर्ड स्कैनिंग है। क्यों हुई थी मेरी दो स्कैनिंग इसके पहले? ये फर्स्ट स्कैनिंग तो आपको जब आप प्रेगनेंसी आपकी पता चलती है, कंफर्म होती है, तो आपको 6 वीक के अराउंड कराना पड़ता है। तो उसमें बच्चे का हार्ट बीट एंड सब कुछ चेक करते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है कि नहीं है ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, सिंगल सैक है या फिर आपको ट्विन्स होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है फर्स्ट स्कैनिंग में। सेकंड स्कैनिंग ये इसे NTNB स्कैन कहते हैं। बीच में एक स्कैन मुझे और कराना पड़ा था, एक्चुअली मुझे स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। वो सारी चीज़ें मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी उसके बारे में। तो चलिए फिर अभी चलते हैं डॉक्टर के पास, स्कैनिंग कराते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रिपोर्ट्स में। आगे की अपडेट मैं आपको रिपोर्ट्स मिलने के बाद देती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं डॉक्टर के पास। ये इसमें सारा ब्लड टेस्ट एंड सारा कुछ जो भी इन्होंने डॉक्टर ने बोला था करवाने के लिए टेस्ट, वो सब कुछ उसकी रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स हमें मिल गई है, बट आज हम डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि सब ठीक है या नहीं है। सो गाइस, मेरी स्कैनिंग हो गई है, अब रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो लेट्स सी रिपोर्ट्स में क्या आता है। चलते हैं डॉक्टर के पास, वही हमें बताएंगे और आगे की अपडेट में वहाँ से होके देखती हूँ। सो गाइस, आज हमारे घर में बन रहा है मटर का निमोना लंच में। अगर आप यूपी के हैं तो आप जानते होंगे मटर का निमोना क्या होता है। काफ़ी देर तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी, नमक डाल के ढक देंगे और फिर ये पक जाएगा। तो क्या आपको भी निमोना पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, नायका पे चल रही थी सेल, तो मैंने मामा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जो कि टॉक्सिन फ्री होते हैं, नेचुरल होते हैं, जिसमें से मुझे 3 प्रोडक्ट्स फ्री मिले हुए हैं। ये है उपटन फेस मास्क, ये मुझे फ्री में मिला हुआ है, 499 रुपीज़ इसका प्राइस है। और इसके अलावा ये है अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन SPF 50। तो सनस्क्रीन तो मस्ट होता है अगर आप बाहर जा रहे हो धूप में अब तो। और इसके साथ ही ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है, ये फ्री में मिला हुआ है मुझे। और ये है उपटन फेस वॉश, ये चीज़ भी मुझे फ्री में मिली हुई है। तो 3 प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिले हुए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये उपटन बॉडी लोशन, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा फील होती है तो मैंने ये बॉडी लोशन पे इन्वेस्ट किया है। सो 2 प्रोडक्ट मैंने लिए हैं और 3 प्रोडक्ट्स मुझे फ्री में मिल गए। तो ये मेरा थायराइड का चेकअप हुआ था और उसकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। तो HIV टेस्ट भी डॉक्टर ने करवाया था, तो एक्चुअली वो तो नेगेटिव ही है। रिपोर्ट सारी अच्छी है, नॉर्मल है, मेरा हीमोग्लोबिन भी सही है, मेरा बेबी है छोटू का। सो गाइज, मैं घर आ चुकी हूँ और मेरा एंटी स्कैन हो गया है। एंटी स्कैन के बारे में मैंने आपको एग्जैक्ट नहीं बताया था कि ये क्यों होता है।
एंटी स्कैन को बोलते हैं न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन। और इसमें क्या करते हैं, बच्चा स्टार्टिंग में क्या होता है, लेटा ही रहता है पेट के अंदर, 4 to 5 मंथ तक लाई डाउन पोजिशन में रहता है। तो क्या होता है, उसके यहाँ पे जो नेक के पीछे न्यूकल फोल्ड की थिकनेस मेजर की जाती है उसके नेक के पीछे की, और अगर उसमें फ्लूइड अगर ज़्यादा हो जाता है और उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में रहती है। क्योंकि ऐसा इसलिए चेक किया जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या फिर उसको अदर जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, या आगे चल के उसके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको थर्ड मंथ के लास्ट और फोर्थ मंथ के स्टार्टिंग यानी कि 11 टू 14 वीक के बीच में ये स्कैन होना चाहिए। उसके बाद एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है, तो उस टाइम आपको ये स्कैन मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर आपका इसमें म्यूकल थिकनेस जो कि 2.5 mm होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए बट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क रहेगी। तो ये सब पहले से पता चल जाए, और अगर आपका हाई रिस्क में आ जाता है तो उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट हो गया और एनोमली स्कैन, एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं पेट में से, उसमें चेक करते हैं कि रिस्क है क्या। तो वो तो एकदम लास्ट ऑप्शन रहता है टेस्ट करने का, जब ज़्यादा हाई रिस्क कंडीशन में अगर आपका आ जाता है रिपोर्ट। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है वो डिसीज़न आपका होता है, तो इसलिए ये स्कैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ये थोड़ा ना आपका जेनेटिक भी होता है, अगर आपकी फैमिली में किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है। और मेरा मेडिकल हिस्ट्री भी सही है, फैमिली बैकग्राउंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि सही है आपका सब कुछ, जो बेबी की न्यूकल थिकनेस है वो भी 2.5 से कम ही है, तो इसलिए हाई रिस्क जोन में मैं नहीं आती हूँ। 14 वीक से ज़्यादा होने के बाद अगर जब चेक होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, तो 70 to 75% एंटी स्कैन से रिजल्ट जो मिलता है वो एक्यूरेट रहता है, तो इसलिए इसे लिमिटेड टाइम पीरियड में करवाना चाहिए। मेरा स्कैन हो गया, रिजल्ट अच्छा आया, रिपोर्ट्स अच्छी आई, ब्लड रिपोर्ट और मेरा यूरिन टेस्ट वगैरह जो हुआ था, थायराइड चेक भी हुआ था मेरा, तो वो सब भी नॉर्मल है। ब्लड हीमोग्लोबिन मेरा अच्छा है, मतलब 13.5 है, 11 टू 16 के बीच में होना चाहिए। ब्लड शुगर टेस्ट हुआ था वो भी सही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा HIV टेस्ट भी हुआ था, पता नहीं मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में करवाया HIV टेस्ट, ऑफकोर्स वो भी नेगेटिव ही है। मेरे रिपोर्ट्स अच्छे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ी संतुष्टि हो रही है, क्योंकि इतना मेन स्कैन होता है तो थोड़ा बहुत तो टेंशन डर रहता ही है आपको अंदर ही अंदर, तो वो सब भी एकदम सही है, अभी मेरा कोई टेंशन ही नहीं है अब तो। और बस हम अपनी प्रेगनेंसी आगे ऐसे इन्जॉय करने वाले हैं, तो मेरे आगे के वीडियोस, मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग्स बिल्कुल मिस मत करना देखना आप। और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है या फैमिली में, तो आप उनसे शेयर करना, उन्हें भी नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इन फ्यूचर प्लान भी कर रहे हो तो भी आप मेरे वीडियोस एंजॉय करो और आपको हेल्प मिलेगी इससे बहुत ज़्यादा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं मेरे प्रेगनेंसी सीरीज़ में, तो आप उसे मिस मत करना। तो गाइज वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे के मेरे और भी बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।